नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जो अपने फैशन, आकर्षक जीवन शैली, बॉलीवुड एवं अपनी नाइट लाइफ संस्कृति की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, इस शहर में फिल्म सुपरस्टार रहने की वजह से इस शहर को फिल्म सिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सपनों का शहर और महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई के बारे में। तो फिर देरी किस बात की दोस्तों, अपने सीट बेल्ट को कसकर बांध लीजिए और चलते हैं मुंबई के एक शानदार सफर की ओर। दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी थमता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। कुछ ऐसा आकर्षण है इस शहर में कि जो भी एक बार यहाँ रह लेता है वह यहीं का होकर रह जाता है। इसलिए तो मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, जो सभी के सपनों को सच करता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। दोस्तों, सपने का शहर बॉम्बे, आमची मुंबई या मायानगरी नाम से प्रसिद्ध मुंबई शहर, रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, मुंबई की जिंदगी कभी नहीं थमती है। तभी तो इस शहर को भारत की आर्थिक कैपिटल सिटी भी कहा जाता है। वहीं आज ये मायानगरी भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक हैं और सबसे लोकप्रिय शहर भी हैं। दोस्तों, जहाँ मात्र 603 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल की जमीन पर तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास करते हैं। दोस्तों, मुंबई को 7 छोटे छोटे टापुओं से मिलाकर बनाया गया था। दोस्तों, आज के समय में मुंबई शहर सबसे तेजी से उभरने वाले शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, मुंबई में स्थित एंटीनियम हाउस को दुनिया का सबसे महंगा घर भी माना जाता है, जो हमारे चहेते मुकेश अंबानी जी का निवास स्थान है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में पहली ट्रेन एवं बस भी मुंबई में ही शुरू हुई थी। वहीं आज के समय में मुंबई लोकल सबसे व्यस्त रेलवे लाइन भी है, जो हर साल करोड़ों यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। दोस्तों, मुंबई में स्थित बांद्रा बर्ली सी लिंक सीमेंट एवं स्टील के तारों से बना हुआ है, जिसे अधिकतर तौर पर राजीव गांधी सी लिंक भी कहा जाता है। दोस्तों, इस ब्रिज की लंबाई तकरीबन 5.6 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक सर्वे के अनुसार मुंबई भारत के सबसे मददगार शहरों में से एक है, जिसका सारा क्रेडिट यहाँ के सभी ईमानदार सोच रखने वाले लोगों को जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुंबई शहर का नाम मुंबई कैसे पड़ा? दोस्तों, यह नाम यहाँ की मुंबा देवी के नाम पर पड़ा है, जिसमें मुंबई नाम के पहले दो शब्द मुंबा या महाअंबा नाम से रखे गए हैं। वहीं आखिरी शब्द यहाँ के आई शब्द से लिए गए हैं, जिसे मराठी में माँ भी कहा जाता है।